वेनम ऑफ द लास्ट डांस मूवी के अंदर स्पाइडरमैन है या फिर नहीं, ये चीज चेक करने के लिए हम सुबह 10:45 पे बिना नहाए धोए थिएटर पहुंच गए थे, जहां पे थूथू मूमू की एड के बाद में सिंगम अगेन में टाइगर पहली बार बंदर जैसी गुलाटियां मारते हुए दिखा हमको, जिसके बाद में फाइनली जाके मूवी चालू हुई। वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आप लोगों को मूवी की स्टोरी नहीं जाननी है तो मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी होगी कि नल, जो कि अपने काले कामों को अंजाम देने के लिए उसने दो क्रिएचर को क्रिएट किया था, पहले थे ज़ेनोफेज और दूसरे थे सिम्बियोट्स। सिम्बियोट्स थोड़े से हरामी निकले और नल को उसके प्लेनेट क्रिंटार पे ही कैद करके भाग गए थे वो लोग। ज़ेनोफेज जो है वो अब नल को आजाद करवाना चाहते हैं। नल की आजादी की चाबी वेनम एंड एडी के पास है, एक विचित्र सी चीज है जिसका नाम है कॉडेक्स। अब ये चीज बनती कैसे है, तो जब भी सिम्बियोट्स अपने होस्ट को मरने के बाद वापिस से पुनर्जीवित करता है तब ये चीज बनती है। नल सारे ज़ेनोफेज को भेजता है कि सिम्बियोट को ढूंढो और जिसके भी पास एक कोडेक्स है उसको लेके आओ। अगर सिम्बियोट और उसके होस्ट में से कोई एक मर जाता है देन कोडेक्स खत्म हो जाएगा, कोई भी आदमी उस कोडेक्स को फिर पा नहीं सकता है और नल आजाद भी नहीं हो पाएगा अगर वेनम या फिर एडी दोनों में से कोई एक मर जाता है देन। अगर आपको भी कॉमिक्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है और चीजें अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही है तो डोंट वरी, इस मूवी को जब भी आए तब देख लेना, ओटीटी पे ही देखना। बाय द वे ये 300 रुपीज के लिए वर्थ इट नहीं है। और तो और हम जो एक्सपेक्ट कर तो कि भाई एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन का कैमियो इसमें हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका कैमियो तो छोड़ो, जिस बच्चे के बारे में हम लोग ये बोल रहे थे कि ये पीटर पार्कर हो सकता है उसका नाम लिली निकलता है, जो कि अपनी फैमिली के साथ में एरिया 51 में जा रहा है एलियंस को देखने के लिए और उसका सपना वेनम पूरा भी करता है। लास्ट में वेनम अपनी कुर्बानी दे देता है एडी ब्रोक को बचाने के लिए। ये मूवमेंट प्लस जो भी इन लोगों ने सॉन्ग्स के राइट लिए है वो प्लस क्लाइमैक्स, ये तीनों मिलके 150 रुपये जितना वसूल करवा देते हैं। अगेन मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत ज्यादा बोरिंग है, जिसके बाद में क्लाइमेक्स में थोड़ा बहुत मजा आता है। ओवरऑल नो स्पाइडरमैन, नो माइंड ब्लोइंग स्टोरी, एडी की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है लेकिन मूवी में मजा फिर भी नहीं आता है। तो वेल, ओटीटी पे ये मूवी देखने लायक है, आप लोग देख लेना, ऐसे कोई खास मूवी है नहीं है, आगे आप लोगों की इच्छा। आज के लिए इतना ही ज्ञान, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब का सोच लेना।